आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनीज में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी के मामले में, यानी जब किसी कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों का आधे से अधिक भाग किसी अन्य कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में होता है तथा उसके अंशों का शेष भाग आउटसाइडर्स यानी बाह्य व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है तो ऐसी कंपनी आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहलाती है। मतलब उसे हम पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी कहते हैं जब होल्डिंग कंपनी ने सब्जी कंपनी के सारे अंश नहीं खरीदे हों, सिर्फ आधे से अधिक मताधिकार अंश खरीदे हों। ऐसी स्थिति में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का एकीकृत चिट्ठा बनाने के लिए जो हम पहले गणनाएं करते थे वो तो हम करेंगे, उसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा गणना और करनी होती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। यानी करने का तरीका हमारा ऐसा होगा, सबसे पहले हम इसमें वही बनाएंगे, सबसे पहले हम नेटवर्थ निकालेंगे जिसमें हमारी आ जाएगी पेड अप शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे सारे रिजर्व्स के जितने भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस का यदि कोई लॉस है तो, फिक्टिशियस असेट्स या और कोई ट्रेडिंग लॉसेज हैं या जो प्री एक्विजिशन लॉसेज हैं उन सबको इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी नेटवर्थ। इस नेटवर्थ में जब गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें पूरी नेटवर्थ लेस नहीं होगी, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का हिस्सा लेस होगा क्योंकि यहाँ पे पूरी नेटवर्थ में बाहर के लोगों का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे जब गुडविल निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। यानी नेटवर्थ कंपनी का जो हमने सब्सिडरी जो नेटवर्थ निकाली है उसमें सिर्फ होल्डिंग कंपनी का जितना हिस्सा होगा वही हमको लेस करना है इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। ऐसे हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो कैपिटल रिजर्व का भी हमारा ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी पहले हम नेटवर्थ निकाल लेंगे और नेटवर्थ में से फिर हम हिस्सा निकालेंगे होल्डिंग कंपनी का जिसके डिफरेंस से हमारी गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है तब जब हमारे पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी की स्थिति हो। सेम ऐसे हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी जिसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर का होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट और सब्सिडी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का सिर्फ हिस्सा हमें ऐड करना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। तब आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये तो हमारा पूरा पूरा आ जाएगा होल्डिंग कंपनी का। इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसका टोटल हमारा आ जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। एक चीज़ एक्स्ट्रा जो हमको यहाँ निकालनी है वो है हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ अंश, तो यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट निकालने के लिए हम हिस्सा निकालेंगे आउटसाइडर जितने भी शेयर होल्डर हैं का जो परसेंटेज है उसका हिस्सा निकालेंगे एक तो नेटवर्थ में और एक पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। तो हम निकालेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट निकालने के लिए हम शेयर इन नेटवर्थ जो हमने नेटवर्थ सॉल्व की थी पहले पॉइंट में उसमें हिस्सा निकालेंगे माइनॉरिटीज़ का, तो शेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, इसमें ऐड कर देंगे हम शेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो ये हमारा निकल जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको हम बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, उसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे हम शेयर होल्डर फंड में। तो इस तरीके से हमें सारे पॉइंट सॉल्व करने हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। अभी हम क्वेश्चन लेके देखेंगे
इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखते हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अन्य सूचनाओं के साथ एक सूचना दे रखी है हमको। इसमें 1 अप्रैल 2018 को पेन लगा बैलेंस दे रखा है हमें 90,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल शेयर्स इशू किए हैं सब्सिडियरी कंपनी ने, जो बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, उसके शेयर्स हैं यहाँ पे 60,000। 6,000 अंश हैं, 100 के हिसाब से 6 लाख की पूंजी है। जबकि ए लिमिटेड ने जो इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर, वो इन्वेस्टमेंट हमारा सिर्फ 5,400 शेयर्स का ही है। यानी 6,000 शेयर्स इशू किए हैं सब्सिडियरी कंपनी ने, और होल्डिंग कंपनी जो अंश क्रय किए हैं वो सिर्फ 5,400 अंश ही क्रय किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ अंश बाहर के लोगों ने खरीदे हुए हैं, तो यहाँ पे जो शेयर होगा होल्डिंग कंपनी का वो हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे शेयर हमारा निकल जाएगा, हमने 5,400 अंश खरीदे हैं आउट ऑफ 6,000, तो उसमें होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो हो जाएगा 90%। तो बचा हुआ जो 10% है वो हिस्सा हो जाएगा हमारा माइनॉरिटीज़ का। 90% हिस्सा हो जाएगा होल्डिंग कंपनी का और 10% हिस्सा हो जाएगा माइनॉरिटीज़ का। ये ध्यान रखते हुए हमको आगे के सारे पॉइंट सॉल्व करने हैं। अब हम वर्किंग नोट्स में पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे। वैसे वर्किंग नोट आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए पूरा प्रोफॉर्मा बनाने के बाद सॉल्व करना है, पर मैं आपकी सुविधा के लिए वर्किंग नोट्स पहले समझा रही हूँ। अब बैलेंस शीट बाद में बनाऊंगी, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बैलेंस शीट पहले बनानी है और वर्किंग नोट्स आपको बाद में बनाने, ये ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। अब पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे इसमें हम नेट वर्थ। दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे, वैसे मेन पॉइंट का पहला पॉइंट है, अदरवाइज इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में अपना, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ। सबसे पहले आ जाएगी हमारी पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो यहाँ दे रखी है हमको 6 लाख रुपए। ये दे रखी है हमको 6 लाख रुपए। जर्नलिज्म का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पीएनएल का स्टेटमेंट दे रखा है हमें 2,10,000, लेकिन नीचे सूचना है कि इसमें 90,000 का प्रॉफिट हमारा 1 अप्रैल 2019 को, यानी ओपनिंग बैलेंस है हमारा 90,000 का पहले से ही है, बाकी 2,10,000 का टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। यहाँ हम दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल जो दे रखा है हमको ऊपर अन्य सूचनाओं में 90,000 रुपये, और टोटल 2,10,000 में से 90,000 को घटा के बाकी हमारा निकल जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट। ये आ गया हमारा 90,000 रुपये। चूँकि यहाँ पे अंश हमारा अंतिम वर्ष हमारा एंड होता है 31 मार्च को, और हमने परचेज किए हैं 1 अक्टूबर को, हमने यहाँ पे अंश खरीदे हैं 1 अक्टूबर को, जबकि अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो यहाँ पे हमने वर्ष के मध्य में खरीदे हैं, तो हमारी कुछ अवधि यहाँ पे प्री होगी, कुछ अवधि हमारी यहाँ पर पोस्ट होगी। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि हमारी प्री आ जाएगी, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि हमारी अंश खरीदने के बाद की, यानी पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगी। अंश एक्वायर करने से पहले की अवधि भी 6 महीने की है, अंश एक्वायर करने से बाद की अवधि भी हमारे यहाँ पर 6 महीने की है। यानी पूरी सूचनाओं में 6 मंथ्स का प्रॉफिट प्री हो जाएगा, 6 मंथ्स का पोस्ट हो जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट था हमारा यहाँ पर, यहाँ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो दिखाएंगे हम, वो हम इस तरीके से निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट था हमारा 2,10,000, जिसमें पिछले सालों का प्रॉफिट था हमारा 90,000। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हमारा आ जाएगा 2,10,000 में से 90,000 घटा के आ जाएगा हमारा 1,20,000 रुपये। इसका आधा प्री एक्विजिशन है, आधा हमारा पोस्ट एक्विजिशन है, तो यहाँ पे आधा आ जाएगा यानी 60,000। तो टोटल नेट वर्थ हमारी आ जाएगी 7,50,000 रुपये। ये हो जाएगी हमारी नेट वर्थ। थर्ड पॉइंट हम निकालेंगे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जो भी सिचुएशन है हमारा। तो थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे चूंकि सारे अंश होल्डिंग कंपनी ने क्रय किए हुए नहीं है, तो पूरी नेटवर्थ नहीं आएगी, यहाँ पे शेयर आएगा। नेटवर्थ में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का हिस्सा आएगा, तो हम यहाँ ले लेंगे शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड। यहाँ पे 90% हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का, नेटवर्थ थी हमारी 7,50,000,
तो 7,50,000 का 90% आ जाएगा हमारा 6,75,000 रुपये। अंश हमने क्रय किए थे यहाँ पर 5,40,000 में, तो इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी यहाँ पर 5,40,000 रुपये। तो चूंकि नेटवर्थ ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व 1,35,000, जिसे हम दिखाएंगे शेयर होल्डर फंड की रिजर्व्स एंड सरप्लस के कॉलम में। तो ये ध्यान रखना है हमें 1,35,000 को बैलेंस शीट में शामिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी। पहले पोस्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट प्रॉफिट हमारा 2,10,000 माइनस 90,000 यानी 1,20,000 था, जिसका पोस्ट की अवधि हमारी 6 महीने की, तो ये निकल जाएगा हमारा 60,000 पोस्ट प्रॉफिट है। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, जिसके लिए हमें नेटवर्थ और पोस्ट प्रॉफिट में से उनका हिस्सा निकालना है। माइनॉरिटीज का हिस्सा निकालना है, एक तो नेटवर्थ में, एक पोस्ट प्रॉफिट में, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, इनका हिस्सा 10% है। ऐसे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो नेटवर्थ में हिस्सा आ जाएगा हमारा आ जाएगा 7,50,000 का 10% यानी 75,000 रुपये, और ऐसे पोस्ट प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा 10% 60,000 का यानी 6,000। तो इनका जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 81,000 रुपये। ये है हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, जिसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड में दिखाएंगे लाइबिलिटीज साइड। पहला हो जाएगा शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, और तीसरा हो जाएगा हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड में। अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसमें होल्डिंग कंपनी का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी बैलेंस है उसके P&L का, और पोस्ट प्रॉफिट में उसका हिस्सा आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ए लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ए लिमिटेड यहाँ पे हमें दे रखा है 6,00,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारा 6,00,000 रुपये। इसमें ऐड कर देंगे 90% शेयर है इसका, तो शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड आ जाएगा हमारा 90% ऑफ 60,000 यानी 54,000। तो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ रहा है 6,54,000, 6,54,000, ये है हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमें निकालना है यहाँ पर जो वर्किंग नोट्स में, पहला हमारा नेटवर्थ निकलेगा, दूसरा हमारा गुडविल या कैपिटलिज्म निकलेगा, उसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट निकलेगा। अब इन सब सूचनाओं से बनाएंगे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ पे ए लिमिटेड के कंसोलिडेशन बना रही हूँ मैं 31 मार्च 2020 को। सबसे पहले बन जाएगा हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जो फर्स्ट हेडिंग होती है, क्योंकि दो हिस्से होते हैं हमारे स्टेटमेंट के, इक्विटी लाइबिलिटीज़ एक असेट्स। तो पहला जो हिस्सा है वो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ के अंदर पहला पॉइंट बनेगा हमारा शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके तीन हिस्से होंगे, पहला हिस्सा हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फर्स्ट सबसे पहले दिखाएंगे हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आपको इसी परफॉर्मे में बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ऑथोराइज कैपिटल की सूचना प्रश्न में नहीं है, तो हम नील करके इसको लाइन खींच देंगे, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल कभी भी टोटल में शामिल नहीं होती है, इसे सिर्फ शो करना होता है। सेकेंड आ जाएगा हमारा इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इकट्ठा ही दिखा देंगे हम यहाँ पे। जो ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी आएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ होल्डिंग कंपनी के दिखाए जाते हैं,
तो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है होल्डिंग कंपनी की वो है 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, ये आ जाएंगे हमारे 30,00,000 रुपये। सेकेंड कॉलम बनेगा हमारा, बी कॉलम बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का। इसमें होल्डिंग कंपनी के सभी रिजर्व्स एंड सरप्लस कंसोलिडेट प्रॉफिट दिखाए जाएंगे। रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा एक तो हमारा जनरल रिजर्व, एक आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व और एक आ जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। जितने भी रिजर्व दे रखे हैं होल्डिंग कंपनी के वो सब आ जाएंगे और जो हमने सॉल्व किया है वर्किंग नोट्स में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वो भी हम यहाँ पे शामिल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का जो जनरल रिजर्व है वो हमें दे रखा है 4,00,000 रुपये का। कैपिटल रिजर्व हमने सॉल्व किया था वर्किंग नोट्स के अंदर वो था हमारा 1,35,000 रुपये और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो था वो हमारा था 6,54,000 रुपये। तो तीनों यहाँ पर आ जाएंगे 4,00,000 रुपये, 1,35,000 रुपये जो हमने सॉल्व किया था वर्किंग नोट्स में और 6,54,000 रुपये जिसको भी वर्किंग नोट्स सॉल्व किया था हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इसका सी पॉइंट जो आएगा वो हमारा आएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो हमने सॉल्व किया था वर्किंग नोट्स के अंदर अल्पमत अंशधारियों का जो भी हिस्सा था वो था हमारा 81,000 का। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर अपना सेकंड पॉइंट आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसकी प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो इसको हम डैश करके छोड़ देंगे, पर आपको शो करना है। प्रैक्टिस आपको ये रखनी है कि आइटम्स आपको सारे ही दिखाने की प्रैक्टिस करनी है, सूचना है चाहे नहीं है, नहीं है तो उसको हम डैश करके छोड़ देंगे। थर्ड हमारा आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज़ में हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हम दोनों का होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों का जोड़ कर दिखाएंगे, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी दोनों का जोड़ कर दिखाएंगे। यहाँ पे होल्डिंग का है हमारा 5,00,000 रुपये, सब्सिडियरी का है 1,90,000, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 6,90,000 रुपये। टोटल ऑफ बैलेंस शीट हमारी आ जाएगी 49,60,000 रुपीज़। ये हिस्सा बनेगा इस तरीके से हमारा लायबिलिटीज़ का। सेकंड बनाएंगे हम असेट्स का हिस्सा, असेट्स में सबसे पहले आ जाएंगे हमारी नॉन करंट असेट्स। इसमें पहला आ जाएगा हमारा फिक्स असेट्स यानी जिसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, इसका भी पहला हिस्सा होगा हमारा टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें को दो तरह की टेंजिबल असेट्स दे रखी है होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडियरी कंपनी की, एक लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, दो दे रखा है हमें लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को हम जोड़ के दिखाएंगे। यहाँ पे संपत्तियाँ भी सब होल्डिंग एंड सब्सिडियरी की ऐड होकर आएगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा हमारा 24,00,000 प्लस 4,00,000 यानी 28,00,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा हमारा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा हमारा 4,00,000 प्लस 4,00,000 8,00,000 रुपये, 8,00,000 रुपये। इसका नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा इंटेंजिबल असेट्स का, चूंकि यहाँ पर हमारी गुडविल नहीं थी कैपिटल रिजर्व था तो इंटेंजिबल असेट्स की कोई सूचना प्रश्न में नहीं है, लेकिन हमें कॉलम तो शो करना ही है और उसको हमको नील करके दिखाना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको बैलेंस शीट की प्रैक्टिस प्रॉपर परफॉर्म में करनी है, ऐसे ही आपको शो करना है सूचना है चाहे नहीं है। सेकंड बन जाएगा हमारा करंट असेट्स, करंट असेट्स दे रखा है हमें होल्डिंग कंपनी का है 11,60,000, सब्सिडियरी का है 2,00,000, टोटल हमारा आ जाएगा 13,60,000 रुपये। टोटल असेट्स हमारी सेम वही आ जाएंगी जो हमारी लायबिलिटीज़ थी 49,60,000 रुपीज़। ये तरीका है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का, तब
जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के सभी अंश क्रय नहीं कर रखे हैं जबकि आधे से अधिक अंश क्रय कर रखे हैं। तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बनती है हमारी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, जो हम निकालेंगे जितना भी हिस्सा होगा आउटसाइड शेयर्स का उसका हिस्सा निकालेंगे, एक तो नेटवर्थ में, एक हम निकालेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट निकल जाएगा, जिसको हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे शेयर